हिंदी ज्ञान गंगा धारा में आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत करता हूँ। आदिकाल के कुछ भाग हो गए थे और सिद्ध साहित्य से बाकी था, आज हम वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज भद्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरप्पाद हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रायन तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रायन का केंद्र श्री पर्वत रहा है। वज्रायनों का केंद्र कहाँ रहा है? श्री पर्वत में। सहजानियों की भाषा का नाम सांध्य भाषा है। कुछ विद्वानों ने सांध्य का अर्थ बताया है कि ऐसी भाषा जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है, ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने सांध्य भाषा का अर्थ अभिसंध्य या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा होगा। ज्योतिश्वर ठाकुर ने द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर जो 14वीं शताब्दी में लिखा गया था, मैथिली भाषा में सिद्धों के नाम दिए हैं। सहजानियों की संत भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे। राहुल साकृत्यायन ने सरप्पाद का समय 769 स्थिर किया है। विनय तोष भट्टाचार्य ने सरप्पाद का समय विक्रम संवत 690 या 633 ईस्वी में स्थिर किया है। इनके साथ इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें दोहा कोष प्रसिद्ध है। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला भाषा का। दोहा कोष का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। दोहा कोष में तिल्लुपा, सरहपा, कड़हपा के दोहे संग्रहित हैं। सरप्पा के जीवन के संबंध में संक्षेप में यहाँ पर बताया जा रहा है। सहज संयम, पाखंड आदम्बर, गुरु सेवा, सहज बार, महासुख। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग हमें सरप्पा में दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा नाम मुनिदत्त तथा अद्वैव्रज ने दिया। सरप्पा सबरप्पा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। मतलब सबरप्पा जो थे सरप्पा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सरप्पाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिकुल में 780 ईस्वी में हुआ था। चर्यापाद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः तो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संत भाषा के दृष्टिकोण में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोष की रचना परनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की रचना अवहट्ट में हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी का रूपांतरित हो गया। लुईपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासन में 1773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। ये रहा आपका सिद्ध साहित्य। अब अगला है आपका जैन साहित्य।
जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार प्रसार कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्रों में किया। काव्य का रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ग्रंथ रिपुदारण रास तथा दशरथ ओझा ने इसका समय 1905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जीन दत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम रास ऐतिहासिक ग्रंथ पंच पांडव चरित रास है। पंच पांडव चरित रास के लेखक शालीभद्र सूरी को माना गया है। इसका रचना काल 1350 ईस्वी है था। मुनि जिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा गणपत चंद्रगुप्त ने शालीभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ 2800 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। श्रावकाचार्य को अगला है अब आपका फागु काव्य। आदिकाल की रास परंपरा की भांति ही फागु परंपरा काव्य भी जैनियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। फागु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के फल्ग से हुई है और फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जीन दत्त सूरी द्वारा रचित जीन धर्म सूरी फाग है। फागु काव्य का अर्थ वसंत ऋतु का काव्य है। जीन दत्त सूरी में 25 छंद है। श्री थूलिबद्ध फागु, स्थिलबद्ध फागु, फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर ने की थी। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजल के विवाह की घटना है, जिसमें नेमिनाथ एवं राजल के विवाह की घटना का चित्रण किया गया है। अगला है आपका नाथ साहित्य। ना गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों का वज्रायन से निकला हुआ माना जाता है। बौद्धों की वज्रायन से निकला हुआ गोरखनाथ ने पतंजल के उच्छल लघु ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों का वाम मार्गी भोग प्रदाय योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध संप्रदाय, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। ये नाथों के नाम हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों को योग को ही हठ योग कहते हैं। सिद्ध साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था। षट चक्रों वाला मार्ग किसने चलाया था? गोरखनाथ ने। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। मत्स्येंद्रनाथ मीननाथ तथा मच्छेंद्रनाथ भी कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकिकृत के नाम से प्रसिद्ध हुए। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना। राउल साकृतयायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शताब्दी मानते हैं। शुक्ल और रामकुमार वर्मा 13वीं शताब्दी मानते हैं। पीताम्बर दत्त बेतवाल ने उन्हें 11वीं शताब्दी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमामय भारत में दूसरा नहीं हुआ। भारत के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति ही था। गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे। अब अगला है आपका रासो साहित्य। आचार्य शुक्ल ने के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीन ग्रंथ विशालदेव रासो है। विद्वानों ने रासो की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से माना है। गारसा दत्तासी ने रासुई से माना है।
हर प्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है, नरोत्तम स्वामी ने रासक से माना है, श्यामल दास ने रहस्य से माना है, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य से माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है, नंदलाल वाजपेयी ने रास से माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से माना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस तथा या रास से माना है, दशरथ शर्मा ने रासक से माना है, माता प्रसाद गुप्त ने रासक से माना, गणपत चंद्र ने रासक रास रासो रासु रासो से माना है। अब यहाँ पर हम कुछ रचनाएं देखते हैं। दलपत विजय का कुमार रासो, नवीं शताब्दी, भाषा राजस्थानी है, रसबीर है, काव्य का रूप प्रबंध है। नरपत नाल विशल देव रासो, 1212 में श्रृंगार, चार खंड वीर गीत, जगनिक परमाल रासो, याला खंडो, 1230 वीर वीर गीत, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, उनहत्तर समय, डिंगल और प्रबंध काव्य है, और श्रृंगार वीर श्रृंगार का केशव भट्ट, जय प्रकाश जयचंद प्रबंध, मधुकर भट्ट का जय मय जयचंद्र का, 1243 प्रबंध का, सारंगधर हम्मीर रासो, नल सिंह विजय पर रासो, 42 छंद, सिरधर रणमल छादर, 5400 चौवन 70 छंद डिंगल। इस प्रकार से मित्रों हमारा आदिकाल संपन्न होता है। और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। अब वीडियो मैं मित्रों सोच रहा हूँ कि UPTET से संबंधित वीडियो अब मैं अपलोड करूँगा, तो आप बने रहें मेरे साथ।